गृह मंत्री हो जो आंकड़ों की जादूगरी करे और असत्य देश के सामने रखे ताकि कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए, असामान्य स्थिति पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में विवाद ऊंची खड़ी हो जाए, ऐसे गृह मंत्री को उस पद पे बैठने हमारे लिए, देश के लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन के फैसलों से हो रहा है ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और जब दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो उसका मतलब ये है कि मुल्क शासन के खिलाफ। जो खिलाफत हम आज वचन लेते हैं सारे राजनीतिक विपक्षी दल, ये मामला यहाँ रुकने नहीं वाला। सब इकट्ठा होकर हम सारे देश में घूमेंगे और इस शासन के फैसले के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो आंकड़ों के जादूगर हैं और असत्य को गले लगाते हैं। उन्होंने संसद में कहा कि जब पाकिस्तान बना तो उस समय जो गैर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो 23% थी। ये झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। वो 23% जो पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की वो केवल ईस्ट पाकिस्तान में थी। वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1947, 1951, 1961, 1971, वेस्ट पाकिस्तान की बात आज के दिन के पाकिस्तान की बरकरार है वो सामान्य रही और आज के दिन भी 3% है लगभग, वो घटी नहीं थी। इस किस्म का गृह मंत्री हो जो आंकड़ों की जादूगरी करे और असत्य देश के सामने रखे ताकि कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाए, असामान्य स्थिति पैदा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में विवाद ऊंची खड़ी हो जाए, ऐसे गृह मंत्री को उस पद पे बैठने हमारे लिए, देश के लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और अगर इसको कोई, इस बुनियाद को कोई तोड़ना चाहे तो कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी बात ये। तीसरी बात, मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 18 तारीख को सुन रही है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में या ओरल मेंशनिंग हुई कि जामिया में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ सामान्य स्थिति पहले कायम होनी चाहिए, उसके बाद हम इस पर ज़रूर गौर करेंगे और जो भी हम चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। इस पर हम आगे कार्रवाई ज़रूर करेंगे और मैं हम सब की ओर से कहना चाहता हूँ एक सुप्रीम कोर्ट जज की एक कमीशन बिठाई जाए ताकि ऐसे और इस ये फैसले क्यों हुए, कैसे हुए, दंगे फसाद कैसे हुए, हर जगह पे अभी गुलाम नबी जी ने हर जगह पे बताया किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको कैसे, इन लोगों से देश को कैसे बचाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।